तो आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी काले चने की कितनी गाढ़ी है। तो यहाँ पर मैंने रात में पानी में काले चने भिगाकर रख दिए थे, उसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाला था। आप देख सकते हैं कि एकदम छोले जैसे हो गए हैं फूलकर। तो यहाँ पर इसको कुकर में डाल देना, उसका पानी नहीं निकालना है, पानी के साथ ही डालना है, क्योंकि मैंने पहले से ही धोकर चने लिए थे। अब चार आलू छीलकर कच्चे आलू इसमें डाल देने हैं और थोड़ा सा नमक और थोड़ा पानी। पानी कम से कम 2 इंच तक ऊपर रहना चाहिए छोलों से, और ढक्कन इसका कुकर का बंद कर देते हैं। अब इसमें 6-7 सीटी लगा देनी है हमें। सीटी लगने के बाद यहाँ पर मैंने एक बर्तन में इनको निकाल लिया है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुके हैं और इनको ठंडा भी कर लिया है। अब इसमें से थोड़े से चने हमें अलग निकाल देने हैं एक बाउल में। मैं अभी आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है, हम इनको बाद में यूज करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें पानी भी हम इसका निकाल के इसी बाउल में डाल देते हैं, थोड़ा पानी भी निकाल लेते हैं। अब ये जो आलू हैं ये भी साथ में बॉईल हो चुके हैं, तो एक विस्क लेते हैं और उससे इसको इस तरह से मैश कर लेना है। आलू को आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उससे छोले भी मैश हो जाएंगे, तो इसीलिए हम विस्क से इनको आलूओं को इस तरह से फोड़ लेंगे। अब जो हमने छोले निकाले थे इनका हमें मिक्सी में पेस्ट बना लेना है, और एक कढ़ाई गर्म करनी है और गैस की फ्लेम ऑन करनी है, और जब ऑयल गर्म हो चुके तो यहाँ पर हमें खड़े मसाला डाल देना। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग लिया है, और अब जब ये ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, उनको कट करके पहले से रखा हुआ था, तो इसमें डाल के हम इसको भून लेंगे। और 3-4 हमने डाल दी है लाल साबुत मिर्च। अब ये हमारी प्याज भुन चुकी है, लाइट ब्राउन हो चुकी है, तो इसमें हमें डाल देनी है टमाटर की प्योरी। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने प्याज को काटा है और टमाटर की प्योरी बनाई है। अब इसमें हमें 1 बड़ा चम्मच डाल देना है हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच डाल देने हैं यहाँ पर धनिया पाउडर, और 1 चम्मच डालना है हमें लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच गरम मसाला। इन सभी को हमें टमाटर के अंदर मिक्स करते हुए इस तरह से भून लेना है। गैस की फ्लेम इस समय लो रखनी है, और इसको थोड़े समय के लिए हम कवर करके रख देंगे, कम से कम 1 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा तैयार है, टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, और तेल भी हमारा सेपरेट होने लगा है, तो इसको फिर से थोड़ा सा भून लेंगे। अब इस समय हमें जो हमने यहाँ पर पेस्ट बनाया था चनों का, तो वो डालकर इसको हमें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। पेस्ट मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने जो छोले चने उबाले थे उनको डाल देते हैं, और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको कम से कम 5 मिनट तक पकाना है। अब 5 मिनट बाद देखते हैं कि ये अच्छे से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें ज़्यादा हमने प्याज का इस्तेमाल और टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने सिर्फ 4 टमाटर की ग्रेवी ली थी। आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी ग्रेवी है, और बिल्कुल भी पानी अलग और चने अलग नहीं है। यदि हम ऐसे ही सिंपल बनाते हैं तो हमारा पानी अलग रहता है सब्जी का, चने की सब्जी का, और चने अलग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कलर भी कितना अच्छा है, और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल छोलों से कम नहीं लगते हैं, बिल्कुल इनका टेस्ट छोलों जैसा ही आता है। तो इनको सर्व कर लेते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।